गुरुग्राम के सोना इलाके में अपने स्कूल से अगवा की गई 14 साल की लड़की से गैंग रेप का आरोप सामने आया है। इस घटना में 3 युवकों के शामिल होने की बात कही जा रही है। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसकी बेटी 8वीं कक्षा की छात्रा है। पिछले साल 18 दिसंबर को एक खेल कार्यक्रम के दौरान 3 युवकों ने उसे उसके स्कूल से अगवा कर लिया और पहाड़ी इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तीनों युवकों ने लड़की को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने लड़की का आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया और उसे व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइटों पर प्रसारित किया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को ये भी बताया कि उनकी बेटी ने अब तक इस घटना का खुलासा किसी से नहीं किया है, लेकिन शनिवार को उन्हें वीडियो के बारे में पता चला और उन्होंने पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अभी फरार हैं। आरोपियों में से 2 दूसरे स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं और 3रा स्कूल ड्रॉप आउट है। इस संबंध में DCP साउथ उपासना सिंह ने कहा, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चला रही है और लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ धारा 363 अपहरण, 376 DA 16 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार और भारतीय दंड संहिता की धारा 13.6 के तहत मामला दर्ज किया है।